आपके कोठे के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। हमें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। अलविदा तो आप बहुत साल पहले कह चुके हैं। बताइए आज कौन सी तकलीफ देने आए हैं? वक्त बदल गया लेकिन आप नहीं बदली बाहर जा। अब अपने बेटे को इस्तेमाल करके आप हमारे खानदान को तबाह करना चाहती हैं। समझाइए उसे, रूप हमारी बहू है। खुदा के मजाक का भी जवाब नहीं। जिस आदमी ने इतनी जिंदगियों का तमाशा बनाया, आज वो अपनी इज्जत बचाने के लिए गुजारिश करने आया है। वक्त ने आपको भी नहीं बदला बलराज साहब। हमने आपको साफ साफ समझाया था कि हमारा रिश्ता गलत था, लेकिन आप सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाई और जिंदगी भर हमसे धोखा खाने का तमाशा करती रही। तो क्या यही कहकर तसल्ली देते रहे आप अपने आप को? रिश्ता गलत था तो क्यों बार बार लौट के आते थे हमारे दरवाजे पे? मोहब्बत आपको भी हुई थी बलराज साहब, लेकिन समाज के डर से एक दिन अचानक कूड़े की तरफ फेंक दिया हमें। घिन आती है आपकी खुदगर्जी पर। मेहरबानी करके यहां से निकल जाइए। पति ने मुझे शादी की रात को ही रुखसती दे दी। क्योंकि आपने एक ऐसे आदमी से शादी की जिससे आप कभी पहले मिली भी नहीं थी। बल्कि कई दिनों तक मैं जानती भी नहीं थी वो दिखते कैसे हैं। मेरे गुस्से में लिए गए एक फैसले ने हम चारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे जफर मियां, अगर आपको अपनी तलवारों से इतना ही इश्क है तो लोहारों की लड़ाई में शामिल क्यों नहीं हो जाते? उसी लड़ाई के लिए तो तलवारें बना रहा हूं। बस इन्हीं तेज जुमलों से ना हीरा मंडी की औरतों के दिल काट रखे हैं आपने। कल मीटिंग में क्यों नहीं आए? एक और दिल कटने का इंतजार कर रहा था, उसे तोड़ना नहीं चाहता था। देखिए जफर मियां, अगर औजार बनाने की मशीनें आ गई ना तो हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे। इस बार हमारी कौम पे नहीं, हमारे पेट पे हमला हुआ। एक तरफ अल्लाह अल्लाह करते हो और दूसरी तरफ डरते रहते हो। अगर हम मेहनत करें तो कभी बेरोजगार नहीं होंगे। और रही आपके आवाम हक पार्टी की मीटिंग और बंटवारे की बात, तो मैं हरामी। मुझे खुद के अब्बा ने उनका नाम तक नहीं दिया। जो आदमी अपने हक के लिए नहीं लड़ा वो आवाम के हक के लिए क्या लड़ेगा? चलिए छोड़िए, मैंने कितनी बार कहा अब्दुल मियां, अगर आप सच में अपना नजरिया दुनिया तक पहुंचाना चाहते तो बलराज चौधरी के न्यूज़पेपर से कोई बेहतर जरिया नहीं है। आपके कहने से हम गए थे दिल्ली टाइम्स के अखबार वालों से मिलने, लेकिन जब से उस बलराज चौधरी का बेटा विलायत से लौटा है बंटवारे के खिलाफ एक मुल्क एक आवाम के आर्टिकल छापने में मशगूल है। इनकलाब खून बहा के लाया जाता है, बातें करके नहीं। सही कहा आपने जफर मियां, बिल्कुल सही फरमाया। चलिए आ जाइए हमारी तरफ।
गलत ना समझे मुझे, भाई अब मेरे जान दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आपके लिए। बस मुझे इन चौधरियों के मसलों से दूर रखिए अब्दुल मियां। देव आपको थोड़ा ख्याल रखना, ये एक मुल्क एक आवाम का आर्टिकल लोगों को हजम नहीं हो रहा। धर्म के नाम पे अंग्रेज हमारे देश का बंटवारा कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर में किसी का फायदा नहीं होगा। लेकिन उनके बिना हम अपना देश भी तो नहीं संभाल पा रहे, उसके बारे में क्यों नहीं लिखते हैं आप? वक्त के साथ हम सब सीख लेंगे, अगर साथ में रहे तो। इस मकसद का मसीहा तुम्हें किसने बनाया? मैं बस एक आवाज हूँ जिसमें लोगों तक पहुंचने की ताकत है, या बहकाने की ताकत, या उन्हें सही राह दिखा रहा हूँ जिस सही राह में यकीन आप भी करते हैं, बस सियासत से डरते हैं। ये मत भूलिए कि हम यहाँ माइनॉरिटी हैं और मुस्लिम लीग दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही है। आप अपने दिमाग से सोचें, दिल से नहीं। अगर मैं ऐसा कर पाता तो फिर बात ही क्या थी। कभी कभी दिमाग का दिल से हार जाना जरूरी होता है। क्या हुआ सरोज, रूप कहाँ है? वो नीचे नहीं आना चाहती। चलता हूं। कोई बात नहीं, उन्हें उनका नाश्ता कमरे में ही दे दे। जी। देव को हमेशा लगेगा कि मैंने उसके साथ ज्यादती की, लेकिन आपने जो किया है सही है। जिंदगी पर भरोसा रखिए, उसने जो उलझाया है वही खुद सुलझाएगी। ये आवाज कहां से आ रही है? बहार बेगम की हवेली से। किसी जमाने में हुस्नाबाद की सबसे मशहूर मुजरे वाली हुआ करती थी, लेकिन फिर उन्होंने नाचना छोड़ दिया, अब गाना सिखाती है। कहां है बहार बेगम की हवेली? हीरा मंडी में, इस शहर का सबसे बदनाम मोहल्ला। उस जगह का सिर्फ नाम लेने से ही लोगों के नाम खराब हो जाते हैं। अरे हम कह रहे हैं आपसे मुंशी साहब, हमारे जफर भाई से अच्छा लोहार पूरे हीरा मंडी में नहीं है। अभी पिछले साल ब्रिटिश आर्मी की तलवारें भी इन्होंने ही तो बनाई थी। वही हराम का पिल्ला है ना जफर, वो कहां से आए हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? आप उनका काम देखिए ना। मुझे फर्क पड़ता है अब्दुल साहब, एक तो ये नाजायज, और ऊपर से माफ कीजिएगा मुसलमान मुंशी जी, अगर मेरे पैसे लेकर भाग गया तो मैं तुम्हारा घर। लोगों के काम पे तवज्जो देना सीख, उनके बाप के नाम पे नहीं। लेकिन ये बड़ी बात तेरी कम अकल नहीं समझ पाएगी। छोड़ दे, छोड़ दे जफर, मैं कह रहा हूँ जफर छोड़ दे। छोड़ दे जफर। जफर जफर, वो लिहाज तो है नहीं इन लोगों में। अरे एहसान मान हम लोगों का, जो तुझ जैसे हरामियों को अपने मोहल्लों में रहने देते हैं। एक तो ये हमारी वजह से हीरा मंडी में पड़ रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, कचरा बढ़ा रहे हैं कचरा। Thank you.
रूप, कब तक कैद रहेंगी आप अपने कमरे में? अब आप शादीशुदा हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इस घर में। किसकी तरफ? आपके पति की तरफ, जो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं है। मेरी एक ही जिम्मेदारी थी, अपनी बहनों की तरफ, वो मैंने ये शादी करके निभा लिया। देव के अखबार में काम करना शुरू कर दो, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ, देखना सब कैसे बदलने लगेगा। मैंने घर पर बात करनी है। सबका कितना ख्याल रखती है। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं रूप, बस अपने बाद आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूं। पता है, मेरे माँ बाप को लगता था कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना फजूल है, वरना अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो इतने बड़े अखबार में काम करने का मौका कभी नहीं गवाती। मैं फिर रियाज शुरू करना चाहती हूँ। बिल्कुल करना भी चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं अभी एक अच्छे गुरुजी का इंतजाम करवा सकती हूँ। नहीं, मैं हीरा मंडी जाके बाहर बेगम से सीखना चाहती हूँ। कम वक्त में काफी ज्यादा जान गई है शहर को आप, पर इस घर के उसूल को नहीं जानती। आप संगीत सीख सकती है मगर हीरा मंडी कभी नहीं जा सकती। अगर मुझे हीरा मंडी जाने नहीं दिया तो फिर मैं अखबार के लिए भी काम नहीं करूंगी। मत करो, कैद कर लो अपने आप को अपने गुस्से में, लेकिन याद रखना अपनी किस्मत आपने खुद लिखी है अपनी मर्जी से। अब यही आपकी जिंदगी है रूप, और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगी बाकी जिंदगी उतनी जल्दी आसान हो जाएगी। आपका मेरी जिंदगी पे कोई हक नहीं है। आपका है। बाबा, मैं रूप को जानती हूँ। एक बार उसने अपना मन बना लिया फिर वो किसी की नहीं सुनती। वो इस घर की बहू है और उसे भी सब की तरह इस घर के उसूलों की इज्जत करनी पड़ेगी। आपके कहने पर हमने उन गलियों की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन हम रूप से ये उम्मीद नहीं रख सकते। इससे पहले वो कोई गलत कदम उठा ले हमें उसे जाने की इजाजत दे देनी चाहिए। और यही एक मौका है देव और रूप को करीब लाने का। रूप, ये क्या कर रही हैं आप? रूप। हाँ? भाभी जी आपको बुला रही हैं। मेरी जिद और उनके उसूल के बीच मेरी जिद जीत गई। इस देव चौधरी की ये एक मुल्क एक समाज वाली बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती, लेकिन गौर फरमाई, एक तरफ ये बंटवारे के खिलाफ है और दूसरी तरफ ये स्टील के कारखाने लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दोनों ही तरफ से हम भूखे मर। हमें और एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। अगर यही हाल रहा तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन पेपर छाप पाएंगे। सर, पिछले हफ्ते जिस विस्की कंपनी के इश्तेहार डाले थे वो इस हफ्ते भी इश्तेहार डालने को तैयार है। उसी शराब के इश्तेहार की वजह से पूरा हफ्ता मुस्लिम सेक्टर ने अखबार नहीं खरीदा। वो
बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं विस्की वाले। अहमद की बात सही है, किसी और को ढूंढना पड़ेगा। कॉस्मेटिक्स और साड़ी। काजल और कपड़ों से तो किसी को एतराज नहीं हो सकता। शराब के बदले लक साबुन का इश्तेहार डालते हैं पेपर में। इन इश्तेहारों की वजह से औरतें भी पेपर खरीदेंगी। माफी चाहती हूँ, बस ख्याल आ गया तो बोल दिया। मैं देव चौधरी से मिलना चाहती हूँ। और आप कौन? रूप, उनकी पत्नी। जी, हाँ जी, इन्हें इनका डेस्क दिखा दीजिए। जी, मायसेल्फ अनंत पाल। नमस्ते। वैसे ये कौन है? आइए। पत्नी एक दूसरे को जानते तक नहीं। निकाह हुआ है इनका शायद। उस दिन अगर पर्दे के पीछे आप भी होते तो देव साहब को पता नहीं चलता। हीरा मंडी का सबसे बड़ा त्यौहार दशहरा, पर ये मोहल्ला इस शहर की एक अरसे के बाद ऐसी आवाज सुनी है जिसमें दर्द भी है और सुकून भी। अपना फैसला बदलने के लिए शुक्रिया। अभी तो सिर्फ तारीफ की है,
शुक्र बेइज्जती का करते हैं, क्योंकि असली काबिलियत उसी से मिलती है। बोलिए। आपसे ऑफिस में बात करनी थी लेकिन मौका नहीं मिला। किस बारे में? मैं आपकी कंपनी में सिर्फ हाजिरी नहीं देना चाहती, काम भी करना चाहती हूँ। मैं एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। किस मुद्दे पे? हीरा मंडी पे। उस इलाके के लोगों को देख के लगता है कि हर घर में कई कहानियां छुपी हुई है। अगर आप कोई ऐसी कहानी ले आए जो पढ़ने लायक हो तो छाप देंगे। मैं जानती हूं हम दोनों इस रिश्ते में गिरफ्तार हैं और इसमें मेरा हाथ भी है। बस आपको बताना चाहती हूं कि मेरे आपसे या इस रिश्ते से कोई अरमान नहीं है। ये शादी नहीं, समझौता है। और आप जब चाहे इससे रिहा हो सकते हैं। मैंने कभी इस शादी को तोड़ने का जिक्र नहीं किया है, लेकिन आपके ख्याल आज जान के खुशी हुई। शुक्रिया। सुनिए, ये अब्दुल खान कहाँ मिलेंगे? जफर भाई, अब्दुल मियां कहाँ हैं? ये उनसे मिलने आई हैं। जाइए। एक मुलाकात ने लौटने में मजबूर कर दिया। आइए, आज मन भर दे तो आपका, लेकिन आपसे मेरा मन नहीं भरेगा, वक्त जाया हो जाएगा मेरा। मैं शादीशुदा हूं। तो मुझे कौन सा निकाह पढ़ना था आपसे? मैं अब्दुल खान से मिलना चाहती हूँ। क्यों? आपको क्यों बताओ? तो फिर मैं आपको क्यों बताऊं कि अब्दुल कहाँ है? मैं हीरा मंडी और उसकी लोगों की कहानियों पर एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। तो इसलिए आप तवायफ के कोठे पे आई थी? ये कोई तरीका है बात करने का? तवायफ को ताजमहल कह दूंगा तो उसकी किस्मत नहीं बदल जाएगी। सारी औरतों को एक ही नजर से देखते हो। नजर तो एक ही रहेगी, लेकिन आप चाहें तो नजरिया बदल सकती है मेरा। मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है। होंगे भी कैसे, अपनी शादी के हालात में गिरफ्तार जो है,
चाहें तो आपके अधूरे अरमां पूरे कर सकता हूं मैं। बहुत ज्यादा बदतमीज है आप। शुक्रिया अब्दुल। शुक्रिया। जी जी मैं डेली टाइम्स से हूँ। हीरा मंडी के लोग और माहौल के बारे में मैं एक आर्टिकल। डेली टाइम्स यहाँ का माहौल गर्म है, लोहार बेरोजगार है और ये हक की लड़ाई अब बंटवारा करवा के रहेगी। लिखना चाहेगा आपका अखबार इस मुद्दे पे? नहीं ना, खुदा हाफिज। क्या चाहिए उसका जवाब मत देना। बस पूछना चाहता हूँ, आपका काम हो गया? आपको अचानक क्या हो गया? नहीं, वो अब्दुल मियां बड़े तंग मिजाज के, पूरा दिन बंटवारे के लड़ाई में उलझे रहते हैं। हमें क्या लेना, सब तक हमारा इलाका हमारा है, सब ठीक है। चलो शुक्र है, कम से कम अपने इलाके की तो इज्जत करते हैं आप। कुछ पे यकीन करना मुश्किल हो सकता है, जानता हूं। और क्यों है इस इलाके से इतना लगाव? खूबसूरत लड़कियां रहती हैं यहाँ। खूबसूरत भी और आसान भी। तकदीर ने मुझे यहाँ फेंका, जिंदगी कुचलने ही वाली थी, लेकिन इस सड़क ने मुझे बचा लिया, चलना सिखा दिया। मेरी फतेह हो गई और नाम पड़ गया जफर। अब यही मेरा घर है, ये गलियां नहीं होती तो मेरी कोई पहचान नहीं होती। मुझसे बेहतर हीरा मंडी को कोई नहीं जानता, तो रुक। बहुत अच्छा है आपका माशाल्लाह। तो यहाँ कोई कहानी ढूंढने आई अपनी छुपाने? ढूंढने अपनी शादी में खुश हैं? आपने कहा था कि आप शादीशुदा हैं, खुशी का कोई जिक्र नहीं हुआ था। कोई तो हद होगी आपकी। हदें तो सरहदों की होती है, सोच की नहीं। और वैसे भी अगर सवाल उठा है मन में तो पूछ लेना चाहिए। कहानियां सोच सोच के वैसे ही आधी दुनिया पागल हो। तो सियासी मसलों से दूर, इस इलाके में ऐसे कुछ कमाल की चीजें हैं, अगर आप देखना चाहें तो। देखना चाहती हूँ। हिम्मत है मेरी दुनिया में कदम रखने की? मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं। और वैसे भी आपसे तो बेहतर ही होगी आपकी दुनिया। ठीक है, तो अगले जुम्मे क्यों मिलते हैं? कलाम बाद। फिक्र ना करें, मैं इजाजत या कीमत के बगैर औरतों को हाथ नहीं लगाता।
अगर जफर भाई इस सांड पे 7 सेकंड से ज्यादा टिकते तो जीत जाएंगे। जल्दी आपसे तुम तक का सफर तय कर लिया आपने। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? आप कहानी ढूंढ रही थी, मैंने आपको एक किस्सा दिखा दिया। डर गई? क्यों? तुम मर सकती थी। मौत हक है और मुझ जैसे नाजायजों के पास ना कोई खास मकसद होता है ना ही आपकी तरह कुछ खोने को होता है, इसलिए मौत से डर नहीं लगता। जिस दिन मोहब्बत हो जाएगी मकसद भी मिल जाएगा और मौत से डर भी लगने लगेगा। अफसोस आपकी ख्वाहिश शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी। मजा आता है मुझे इस खेल में। मैंने तुम जैसा नमूना कहीं नहीं देखा। नहीं नहीं, मुझ जैसा मैं कहीं। ये वही जर्नलिस्ट लड़की है ना, इसे तो छोड़ दे। एक दिन छोड़ दूंगा। अच्छी लड़की है बेचारी, जरूरत से ज्यादा, इसलिए शायद बुरे ख्यालात भी नहीं आते इसके बारे में। सुना है शादीशुदा,
आप जानते हैं ना आप क्या कर रहे हैं। जितनी घर वालों से दूर हो रही थी हीरा मंडी के लोहार आ जाए थे मुझे मिलने। आपको उनकी बात सुन लेनी चाहिए वरना वो हमारे मुस्लिम स्टाफ को स्ट्राइक पे जाने पर मजबूर कर सकते। बाबा साफ साफ बताइए किस बारे में बात करना चाहते हैं आप। रूप तो वाइफ आजकल घर तक आती है मुजरा करने। माफी चाहते हम गलत पते पे आई है। रूप को बख्श दे जफर। कब तक असलियत से मुंह फेरते रहोगे। जब तक असलियत जिंदा रहे। आप ही से सीखा है। आपको अचानक रूप की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। इस सब में रूप की कोई गलती नहीं है। इस सब में मेरी भी कोई गलती नहीं थी। अगर सीखना है तो मर्द बनकर अपनी मुश्किलों से लड़ना सीखो। अपनी जिंदगी के लिए किसी को जिम्मेदार मत ठहराओ। वही तो मुश्किल है बाबा। आप जैसे मर्द से कुछ नहीं सीखना चाहता मैं। आप अब्दुल को इस्तेमाल करके अवाम को उनकी प्रेस के खिलाफ भड़का रहे हैं, मोर्चे करवा रहे हैं और हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन रूप, दूसरों की गुनाह की सजा, दूसरों की नहीं, उसे आपकी गुनाहों की सजा दी जा रही है। अम्मी आपने एक शादीशुदा मर्द के साथ इश्क किया, बच्चा पैदा करके सड़क पे फेंक दिया। ऐसा न कहें। 17 साल के थे हम, मोहब्बत हो गई थी उनसे और आज तक उससे हम रिहा नहीं हो पाए। गलती हो गई जिसे आज तक मैं सुधार नहीं पाया। होशो हवास में की गई गलतियां गलती नहीं होती, बेईमानी होती है। और आज तक आपने अपने इस गुनाह को कबूल करने तक की हिम्मत नहीं की। हमारी मोहब्बत ने हमें खुद कर्ज बना दिया था। हमने बच्चा इसलिए रखा ताकि बलराज के और करीब हो पाए, लेकिन वो हमसे और दूर चले गए। हमने सोचा बच्चे की शर्म से भाग रहे हैं, आपको छोड़ देंगे तो वापस लौट आएंगे। फिर हम समझ गए कि वो आपसे नहीं हमसे भाग रहे थे। हम आपको लेने वापस आए थे लेकिन आप नहीं। फेंकी हुई चीजें अक्सर सड़ जाती है अम्मी। हमारा रिश्ता भी अब हमेशा के लिए सड़ चुका है। अब आपकी मैयत के अलावा मेरे पास और कोई वजह नहीं है आपके पास लौटने की। देव, बस एक बात कहना चाहता हूं। मेरी भी शादी जबरदस्ती हुई, इसीलिए मैंने इस घर के बाहर प्यार ढूंढने की कोशिश की।
भाई रूप के साथ ऐसा ना हो जाए। कोशिश करो अपने इस रिश्ते को निभाने की। सब आपकी अक्ल के नहीं होते बाबा। कम से कम मैं रूप की इज्जत करता हूं। आपने मां की कभी इज्जत नहीं की और उसकी पूरी जिंदगी ये सोचने में निकल गई कि शायद उनमें कोई कमी थी। आपके बच्चे तक को कबूल करने को तैयार थी। पता नहीं इतनी हिम्मत कहां से लाती थी। अगर आप मान जाते तो हमारा घर बिखरने से बच सकता था, लेकिन आपका घमंड आपकी गलतियों से भी बड़ा था। उस लड़के की कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर अब उसे मिल भी लूंगा तो आपसे और नफरत हो जाएगी। हमारा घर आपने बर्बाद किया है, लेकिन वजह वो है। तो मुझे अपनी रिश्ते कैसे निभानी चाहिए इस बात की सलाह आप ना ही दे तो बेहतर है। बलराज चौधरी ने अपने जायज बेटे को मेरे हिस्से की दौलत, शोहरत और इज्जत दे दी, तो बदले में मैं उसके बहू को छीन लूंगा। और मेरे पास कुछ खोने को तो है नहीं। हरामियों का कोई वजूद नहीं होता, उनका कोई ईमान नहीं होता, किसी को उनकी जरूरत नहीं होती है। यही सुन सुन के बड़ा हुआ हूं मैं। लेकिन अब बस, जिस लड़की को वो अपना घर आबाद करने के लिए लेके आए थे, उसी लड़की से मैं उनका घर बर्बाद कर दूंगा। फिर क्या होगा? ये सब करने से आपको अपने अब्बा, अपना बचपन, अपनी इज्जत, अपना हक वापस मिल जाएगा। अपनी आंखों से नफरत हटाएं, फिर उस लड़की की मोहब्बत देख पाएंगे आप। इंतकाम की आग ने आपको अंधा बना दिया है। अपने अब्बा को बर्बाद करने के तैश में आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं। मंजूर है, सब कुछ फना कर दूंगा। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी तबाही हुई कैसे। जिस आदमी ने मेरा इनकार किया था, वो खुद आके मुझसे माफी मांगेगा, और तब उसकी उम्मीद पर मैं ऐसी आग लगाऊंगा कि जहन्नम भी दो पल देखते रह जाएगा। उसे अपनी कर्मों की सजा मिलकर रहेगी, और उसके बदले में अगर मेरे कर्म बिगड़ जाए तो वो भी मुझे मंजूर है। अम्मी, जफर को हीरा मंडी में पहचानते सब थे, लेकिन वो है कौन ये कोई नहीं जानता था। वापस जाने का मन नहीं करता? वापस जाने की वजह ही नहीं है। पीढ़ियों से हम ये काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे इसी की खा रहे हैं। अब अगर ये अंग्रेज औजार बनाने की मशीन ले आए तो लोहार बेरोजगार हो जाएगा। आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी भी कारीगर के साथ हो सकता है।
आपके कहने पे हमने चौधरी की फैक्ट्री से भी कारीगर बुलाए थे। को लगता है बात चौधरी तक पहुंचेगी और वो हमारा सपोर्ट करेंगे? उसके पेपर के आवाम हक पार्टी से दुश्मनी पुरानी। बलराज चौधरी जैसे लोग कभी कभी अपने मजहब को अपना मकसद समझ लेते। सही कहा आपने, अगर वो अपने मजहब के लिए लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लड़ाई इंसाफ की नहीं, हक की। और अब आपकी आवाम अपने खोए हुए हक को छीनने के लिए तैयार है। सत्या चौधरी मरने वाली है? गुजरने वाली, कैंसर की बीमारी से। और उसके मरने के बाद क्या होगा? तुम उसकी तख्त पर बैठोगी, तुम्हारा शौहर तुम्हें पहली बीवी की इज्जत देने लगेगा, तुम्हारी शादी खुशहाल हो जाएगी। ये त्योहार बहुत पसंद हुआ करता था मुझे। फिर क्या हुआ? पतंग की उड़ान उम्मीद भर देती थी मुझे, अब सिर्फ कटी पतंगों पे ध्यान जाता है मेरा। यहाँ के लोग अपने पतंगों से बेहिसाब इश्क करते हैं, लेकिन इन्हें अपनी उड़ाने से ज्यादा दूसरों के गिराने में मजा आता है। तुम हर चीज में बुराई ढूंढते हो। हाँ, अगर तुमने मेरी जिंदगी जी होती ना, शायद तुम समझ पाते कि मेरे नजरों में इतना अंधेरा क्यों होता। हालात सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन कड़वा मन अंत में जहर बन के हमी को जंग लगा देगा। जब किसी और की बर्बादी अपनी जीत जैसी लगे तो हमसे ज्यादा बर्बाद और कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम्हें कभी प्यार हुआ है? मैं इश्क लड़ाता बहुत तो इन पतंगों की तरह, लेकिन इश्क से कटता नहीं। शाम हमसे आगे निकल जाएगी। आप सही थे, मेरे अंदर कुछ बदल गया है। सफर की वजह से मुझे लगता है मुझे आप शादीशुदा हैं। वो शादी नहीं सौदा है, सोचना गलती है लेकिन उस पर अमल करना गुनाह है। आपके अलावा और किसी को नहीं पता, मुझे लगा आप समझेंगी। कोठा चलाते इसका मतलब ये नहीं कि धोखा देने के लिए हमसे इजाजत ली जाए। मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, आपके शौहर अच्छे इंसान हैं।
सिर्फ अच्छाई काफी होती है पूरी जिंदगी बिताने के लिए। क्या हुआ? मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। सोचना क्या है? अगर स्टील इंडस्ट्री आ गई तो सब लोहार बेरोजगार हो जाएंगे। क्या ये खबर छापने लायक नहीं? लेकिन इंडस्ट्रीज आने से देश का बहुत फायदा हो सकता है और आप सब उन फैक्ट्रियों में काम कर सकते हैं। हम गुलामी नहीं करते। सवाल देश की तरक्की का है, किसी की गुलामी का नहीं। पहले अंग्रेजों की गुलामी की, अब हिंदुओं की, यही करता रह जाएगा मुसलमान यार। बात को पलटने की कोशिश मत करिए। अगर हम हर जाति बहस में धर्म को घसीट लेंगे तो ये देश हमेशा चलता रहेगा। मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत चुका है, अब आप मुल्क की नहीं, बस अपनी फिक्र कीजिए। सबकी फिक्र करने की आदत है मुझे, और यही फर्क है आप में और मुझ में। मैं लोगों के हालात का इस्तेमाल करके उन्हें बहकाता। सही कहा, बात मजहब की ही है। एक बार हमने अपना मुल्क बना लिया ना, तो फिर हमारी चीखें तो जाया जाएंगी नहीं। लेकिन तब आपकी चीखें कौन सुनेगा देव साहब? देव चौधरी की दूसरी नहीं है। मुंशी जी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। और बदले में तुमने उन्हें क्या दिया? सिर्फ हिंदू होने के वजह से तुम्हारी बात मान ली उन्होंने? मैं खैरात नहीं लेता। मैं मदद कर रही हूं, खैरात नहीं। और मैंने मांगी थी मदद आपसे, जैसा हूं ठीक हूं। हर चीज में बुराई क्यों ढूंढते हो? अच्छाई से डर लगता है, उसे अक्सर बदले में कुछ चाहिए। मैंने तुम्हारी जमानत ली है। मुंशी जी को समझाया कि हीरा मंडी तुम्हारा घर है और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। पढ़ना पसंद है? बहुत। आपको? बहुत। वो कैबिनेट मिशन का आर्टिकल बन गया? नहीं, कुछ बात नहीं बन रही है। शायद वो हमारा आखिरी आर्टिकल हो जिससे आप एक मुल्क एक आवाम की सोच को आगे बढ़ा सके।
आजादी की कीमत बंटवारा है। जितनी जल्द हम इस बात को मान ले उतना फायदा होगा। मुझे देख के रास्ता क्यों बदल देते हो? तुम्हें शहर दिखाने में इतना मशगूल हो गया था कि अपनी जिंदगी के रास्ते भूल गया। मैं हुस्नाबाद छोड़ के जा रही हूं। अजीब है ये जिंदगी भी। पहले मुझे यहां आना नहीं था और अब यहां से जाना नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे शौहर जा तुम्हें लेके जाएंगे, तुम वहां खुशी ढूंढ लोगी। मैं उनसे प्यार नहीं करती, ना ही वो मुझसे करते हैं। कब तक जीती रहूंगी ये झूठ में? कुछ रिश्ते कर्जों की तरह होते हैं, उन्हें निभाना नहीं चुकाना पड़ता है। तुम जो भी करने की कोशिश कर रहे हो उससे किसी का फायदा नहीं हो रहा। कभी कभी नुकसान रोक लेना फायदे से बेहतर होता है। जज्बात को रिवाजों की गुलामी नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया के सारे गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है पता है? अपने मन को मारना। मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है रूप। मुझे तुम पे यकीन क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम यकीन नहीं इश्क करना चाहती हो। बर्बाद हो जाओगी। दर्द के अलावा कुछ नहीं दे सकता मैं तुम्हें। मंजूर है। तुम जानती नहीं मुझे, मेरी जिंदगी को, या उस वजह को जिस वजह से मैं तुम्हारे करीब होना चाहता था। और वो वजह मोहब्बत नहीं है। प्यार ना करने की हजार वजह मिल सकती है डर के बाजार में, लेकिन प्यार करने की सिर्फ एक ढूंढनी होती है अपने दिल में। मुझे अपनी वजह मिल गई है, बाकी तुम्हारी मर्जी। लोगों को जल्दी उस नबात छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो जा रही हूं आपके बगैर। डॉक्टर ने कहा अब भी आप ठीक हो सकती हैं। अपने आशिक की आंखों में देखते हुए मरना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उनके आंसू है, बह जाने दीजिए। मेरा सुकून तो लेके जा रही है आप, अब क्या करूंगा जिंदगी का मैं? पिछले कुछ दिनों से रूप से एक अजीब सी जलन हो रही है। चला उसे मेरे हिस्से की खुशियां मिलने वाली है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं उसे अपनी जगह देना चाहती हूं। वादा करो हमारे सारे ख्वाब आप उसके साथ पूरे करोगे, बेटियों को पढ़ाओगे, बेटों के दोस्त बनोगे,
को माफ कर दोगे? मुझे मत छोड़ो सत्या, रुक जाओ। की कमी महीनों तक हमारे साथ रही। तो उनके गुजरते ही आप लोगों ने उसने बात छोड़ दिया? काश छोड़ दिया होता। सर, अब्दुल की पार्टी अब बहुत ताकतवर हो गई है। इस आर्टिकल के बारे में एक बार फिर सोच लेती। आपको क्या वो जानते हैं वो क्या करने जा रहे हैं? वैसे ही हवा में हक के लोग हमारे खून के प्यासे हैं। इस आर्टिकल के बाद यहाँ के लोहार हमें जिंदा जला देंगे। जश्न के मॉल में रंज मना रहे हैं। किसने कहा मैं रंज मना रहा हूं? जश्न में लोग मिलकर शराब पीते हैं। तना शराब रंज में पी जाती है। बस अपनी जिंदगी से कुछ लम्हे चुरा के अपने आप के साथ वक्त बिताना चाहता हूं। लोगों की तरस से भरी आंखों से थक गया हूं। मैं भी तो आपके रंज का राज क्या है? आपके हाथ में ना शराब है ना आप जश्न में शामिल होना चाहते हैं। अनजानों को राज बताना बहुत आसान होता है। मन भी हल्का हो जाता है और इज्जत भी बनी रहती है। मुझे इश्क हो गया है शादीशुदा लड़की से। देंगे? मुसलमान हूं। ईद मुबारक। शुक्रिया। और वो इश्क करती है आपसे? मेरे इश्क से कई ज्यादा। तो फिर मुश्किल क्या है? काश आप उसके शोहर होते, ये किस्सा यही निपट जाता।
एक बार बात तो करके देखें। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है, कोई किसी से बात नहीं करता, बस सीधे जंग पे निकल जाते हैं। कभी कभी जंग कर लेना दिल की बात बताने से आसान होता है। कौन सा पति है कि ऐसी औरत के साथ रहना चाहेगा जो किसी और से प्यार करती है? लेकिन इसमें एक और राज है। वाह वाह, मैं कहानी सुनने आया था, आपने कठेरा खड़ा कर दिया। मसला ये है कि मैंने उसे सिर्फ आधे सच बताए। तो पूरे बता दो। इतना आसान नहीं है, अक्सर इतना ही आसान होता है। खैर, आपकी कहानी क्या है? बस अपनी टूटी हुई किस्मत के टुकड़े समेट के आगे निकल जाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं शुरुआत कहाँ से करूँ। पहला टुकड़ा जिस जख्म से हुआ उसे ढूंढिए, बाकी टुकड़े अपने आप मिल जाएंगे। तो कितनी औरतों के साथ सोया? ये कैसा बेहुदा सवाल है? मतलब एक 18 साल की उम्र में शादी होगी, आप कितनी लड़कियों के साथ सोए हैं? उतनी गिनती नहीं आती है मुझे। कभी जिंदगी में चीखे आप? आइए आज गला फाड़ के जिंदगी को बोल देते हैं, उसके धोखों से हारेंगे नहीं हम। आइए, कसम से कह रहा हूं रिहा हो जाएंगे आप। कोशिश कीजिए। कसम से एक ही लड़की के साथ जिंदगी भर। पिछला साल आपके लिए बहुत मुश्किल रहा है। अगर मेरे बर्ताव से आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो माफी चाहता हूं। या तो आप अलग हो सकती हैं या शादी को एक और मौका दे सकती हैं। आप जो फैसला लेंगी मुझे मंजूर है। आपके कोठे के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। हमें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। अलविदा तो आप बहुत साल पहले कह चुके हैं, बताइए आज कौन सी तकलीफ देने आए हैं? वक्त बदल गया लेकिन आप नहीं बदली बाहर जा। अब अपने बेटे को इस्तेमाल करके आप हमारे खानदान को तबाह करना चाहती हैं। समझाइए उसे, रूप हमारी बहू है। खुदा के मजाक का भी जवाब नहीं। जिस आदमी ने
इतनी जिंदगियों का तमाशा बनाया, आज वो अपनी इज्जत बचाने के लिए गुजारिश करने आए हैं। वक्त ने आपको भी नहीं बदला बलराज साहब। हमने आपको साफ साफ समझाया था कि हमारा रिश्ता गलत था, लेकिन आप सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाई और जिंदगी भर हमसे धोखा खाने का तमाशा करती रही। तो क्या यही कहकर तसल्ली देते रहे आप अपने आप को? रिश्ता गलत था तो क्यों बार बार लौट के आते थे हमारे दरवाजे पे? मोहब्बत आपको भी हुई थी बलराज साहब, लेकिन समाज के डर से एक दिन अचानक कूड़े की तरफ फेंक दिया हमें। घिन आती है आपकी खुदगर्जी पर। मेहरबानी करके यहां से निकल जाइए। वाह, क्या रहमत बरसाई है खुदा ने मुझ पे आज। बरसों बाद अम्मी को मिलने आया था, साथ में अब्बा भी मिल गए। एक तरफ भार बेगम जिसने मुझे फेंक दिया, और दूसरी तरफ बलराज चौधरी जो कल तक मुझे कबूल नहीं कर रहा था और आज मुझसे भीख मांगने आया है। क्या चाहते हो तुम कि हम तुमसे अपने खानदान की इज्जत की भीख मांगे? छोड़ दो उन्हें। लेकिन वो काम तो आपका है, अपनों को छोड़ देना। आपको क्या पता है खानदान क्या होता है? वैसे भी माशाल्लाह सिर्फ अल्लाह जानते कि मेरे कितने भाई बहन घूम रहे हैं। मेरा सिर्फ एक खानदान है जिसे मुझे तुम दोनों से बचाना है। तो फिर कह दो अपनी बहू से कि मुझसे इश्क करना छोड़ दे। मैंने कहा था ना गिरा दो इसे, इसकी पैदाइश ने हमारे रिश्ते का कत्ल कर दिया। क्या आपकी असलियत को जाहिर कर दिया? यह हमारी औलाद नहीं है, हमारी एक गलती का नतीजा है जिसे हम जिंदगी भर रिहा नहीं कर पाएंगे। जफर, छोड़ दो इन्हें। जफर, हमारे साथ जो भी करना है कर लो, लेकिन हमारे गुनाहों की सजा हमारे बेटे को मत दो। उसने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा। मेरी मुलाकात हुई थी उससे आज, सब कुछ है उसके पास, खुशी के अलावा। उसे दुनिया से बचाने की कश्मकश में आप उसे प्यार देना भूल गए। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था आपको इस हाल में देखना। लेकिन रूप सही कहती है, जब किसी और की बर्बादी अपनी जीत सी लगे तो आपसे ज्यादा बर्बाद और कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं जानता हूं कि आप मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन ये इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं हूं तो आप ही का हिस्सा। बस मुझे अपने बेटे के हिस्से से रूप दे दे, मोहब्बत करता हूं उससे, इसके अलावा और कुछ नहीं मांगूंगा। रूप और देव की शादी से दूर रहो सफर, वरना अंजाम बुरा होगा। रूप की मोहब्बत मेरा हक है जिसके मालिक आप नहीं है, और ये हक मैं लेके रहूंगा। जफर, हम जानते हैं कि आप हमारी किसी भी बात पर राजी नहीं, लेकिन इस बार आप जानती हैं कि हम सही हैं। Yeah!
वो हीरा मंडी से आपको कोई मिलने के लिए आए हैं। क्या हुआ मिया? ये सब उस औरत की वजह से हो रहा है। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि चौधरी इस हद तक गिर सकता है आपको तकलीफ देने के लिए। इसमें रूप का कोई हाथ नहीं। इश्क का अंधापन अकल के दरवाजे बंद कर देता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा चौधरी आपके साथ क्या खेल खेल रहा है, लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। आप चाहें तो उसे माफ कर दीजिए, लेकिन अब आपका बदला उस औरत से मैं लूंगा। अगर उसे हाथ लगाया तो हमारे रिश्ते के साथ आपकी गर्दन भी काट दूंगा मैं। अक्सर गलती करवाती है। कहा था हमने? आप गलत समझ रही हैं। कसम खाई थी हमने कि इस चौखट पर कभी नहीं आएंगे, लेकिन आज आपने उस कसम को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। आप नहीं जानती मेरा हाल क्या है, और अफसोस अब वो बिगड़ने वाला है। जफर हमारा और बलराज का बेटा है। उसने आपका इस्तेमाल किया है इस घर को बर्बाद करने के लिए। वो मोहब्बत करता है मुझसे, देखा है मैंने उसकी आंखों में। शुरुआत से झूठ बोला उसने आपसे। उसने अपने हालात में कुछ गलतियां की होगी, लेकिन हमारी मोहब्बत सच्ची है। पढ़ी लिखी हैं आप, अकलमंद हैं। हीरा मंडी का लड़का है वो। उसकी जिंदगी में बिस्तर के बाहर किसी भी औरत की कोई कीमत नहीं है। और आपसे तो हम बिस्तर भी नहीं होना चाहता था। बस वो यही चाहता है कि किसी भी तरह भरे बाजार में बलराज चौधरी को जलील कर पाए। और आपके अंधे इश्क ने उसके सपने को पूरा करने का मौका दिया। यही सच्चाई है, मान ली। अगर आप अपने शौहर को छोड़ के उसके पास भी चली जाती तो वो आपको कबूल नहीं करता। मोहब्बत उससे करते हैं जो आपकी इज्जत कर सके। आपसे आपकी मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत कर सके। रूप, आप उसका इश्क नहीं, इंतकाम हैं। और वो सिर्फ अपने इंतकाम से मोहब्बत करता है। खानदानी लड़ाई जीतने के लिए आपने इतने साल हमें सियासी जंगों में फंसा दिया। सही कहते हैं सब, हरामियों का कोई ईमान नहीं होता। अपने इंतकाम को पूरा करने के लिए जिस आग को आपने फूंक दी थी ना, अब उसी आग से यह शहर जला दूंगा। अब आप अपने अमाल का अंजाम रोक नहीं पाएंगे।
जरूरी था। सफर हमसे नफरत शुरू से करते हैं, थोड़ी और कर लेंगे, लेकिन इस तरह की जान तो बच जाएगी। क्या फायदा जान बचाने का जब आपने जीने का मकसद ही छीन लिया। नाजायज मोहब्बत का अंजाम अक्सर तबाही होता है। जफर नाम है उसका, तुम्हारा भाई, जिसे तुम ईद के दिन पे मिले थे। मुझमें हिम्मत नहीं थी अपनी गलतियों को कबूल करने की। माफ कर दो मुझे। मुझे हीरा मंडी में किसी से प्यार हो गया था, आपने शुरुआत से मुझसे सच कहा है। अब जब हम इस शादी को ठीक तरह से कायम कर रहे हैं, मैं आपको अपना सच बता देना चाहती हूं। इस रिश्ते में इज्जत होगी, प्यार नहीं होगा। उम्मीद करती हूं आपका दिल मुझसे बड़ा हो और वक्त के साथ आप मुझे माफ करते रहे। आप किसी से प्यार करती थी? फिर क्या बदल गया? मैं उनकी इज्जत नहीं करती। और प्यार खत्म हो गया? आपने कहा आप इस रिश्ते को कायम करना चाहती हो, अब क्यों? सिर्फ साथ सो लेना काफी नहीं होता, और कई पहलू निभाने होते हैं शादी कायम करने। मैंने सत्या से हमेशा कहा था, जबरदस्ती बनाए रिश्तों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। उसकी खुशी की खातिर अपनी कुर्बान कर दी मैंने, और कहीं आपकी खुशियों का भी कत्ल हो गया, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा था। वक्त के साथ वो शर्मिंदगी शायद चाहत में बदलने लगी।
आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने बाकी है। गुस्से में किए फैसले अक्सर गलतियों में तब्दील होते हैं। एक बार अपने आप से सच बोल के देखिए, इस रिश्ते को और मुझे उतनी इज्जत तो दे ही सकती हो आप। पति पत्नी का रिश्ता रिवाजों से नहीं, प्यार से बंधना चाहिए। देव चौधरी ने हमारे खिलाफ फैसला ले लिया है, मैंने भी एक फैसला लिया, इन चौधरियों को खत्म करने का। सोच लीजिए, अब जो हमारे साथ नहीं वो हमारा दुश्मन है। सरोज जी, माफ कर दो मुझे। बस यही कहने आए हो? क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुमने अपना फैसला ले लिया है ना। पूरी शिद्दत से तुमसे प्यार किया और बदले में तुम ईमानदारी तक नहीं कर पाई। इतना मुश्किल था मुझसे सच बोलना, पूरी जिंदगी दिल में एक चीज भर के रखी थी, नफरत। सबको धोखा दिया ताकि अपने अब्बा से इंतकाम ले सकूं। तुमने मेरे नफरत को बेघर कर दी और मेरे दिल में मोहब्बत भर दी। तो मेरे दिल को बदल रही थी, मैं डर गया, डर गया तुम्हारी मोहब्बत से, जो सब इस घर से चाहता था तुमने मुझे दिया। अगर तुम्हें सच कहता तो खो देता। झूठ बोल के पा दिया क्या मुझे? एक दूसरे के नसीब में नहीं है, यही खुदा की मर्जी। तुम्हें कभी मुझसे प्यार हुआ ही नहीं। अगर मुझे इसका जवाब देना पड़ा तो तुम्हारे मोहब्बत में सवाल उठ जाएंगे। तुम कभी सीधा जवाब क्यों नहीं देते जफर? बार कह दो, एक बार कह दो, मोहब्बत करते हो मुझसे?
पीछे के दरवाजे से। चलिए आनंद जी। तीनों को पनाह नहीं दे सकते। सारे हिंदुओं को मुसलमानों के घरों में ढूंढा जा रहा है। ये यहाँ सलामत नहीं है। आप इन्हें स्टेशन ले जाइए। चलो हमारे साथ। हम अपनी हिंदू लड़कियों को छोड़कर नहीं जा सकते। आप चलिए मेरे साथ अम्मी। जहाँ हमारी पैदाइश हुई थी शायद वही हमारी मौत आएगी। जाइए, अब जाइए। Thank you.
आप लोग ट्रेन पे चढ़िए, मैं नहीं रुकता। मार देंगे आपको, ये मेरे लोग हैं, मुझे कुछ नहीं करेंगे। अब्दुल मियां, छाने दे उन्हें, तेरी खातिर। Zafar!
जानता नहीं कि मुझे जलाया गया या दफनाया गया, लेकिन मेरी नाजायज जिंदगी को मकसद मिल गया, मोहब्बत। और वो मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। लकीरें खींच लेने से दुनिया छोटी या बड़ी नहीं हो जाती, बस हजारों जिंदगियां बिखर जाती हैं। अक्सर उन बिखरी हुई जिंदगियों में दिल टूटने का गम दो लोगों को जोड़ देता है। डेली टाइम्स अखबार के देव और रूप का किस्सा भी बंटवारे की उन हजारों कहानियों में से है जो इतिहास की चीखों में कहीं खो जाएंगी। मोहब्बत और नफरत दोनों के रंग लाल हैं, लेकिन फर्क ये है कि नफरत से दुनिया बर्बाद हो जाती है और मोहब्बत में खुद बर्बाद होना पड़ता है। फिर भी कलंक अक्सर मोहब्बत पे लगते हैं। हमारी ये कलंक से रंगी मोहब्बत कभी मिटेगी नहीं, हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहेगी। अब फैसला आपके नजरिए का है। आपने इस कहानी में क्या देखा, कलंक या मोहब्बत?